बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करनि कर। प्यारे लोगों, पल्लवनशील संत, कल रात एक सभा में मैंने एक योगी को जमीन से कई फुट ऊपर हवा में बैठे हुए देखा। मेरा मित्र उपेंद्र मोहन चौधरी बड़े ही प्रभावशाली ढंग से बोल रहा था। मैंने उत्साहपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, शायद मैं उनका नाम बता सकता हूँ, कहीं वे अपर सर्कुलर रोड के बाधुड़ी महाशय तो नहीं थे? उपेंद्र ने स्वीकार में सिर हिलाया। यह बात मुझे पहले ही ज्ञात है। यह देखकर उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। संतों के बारे में मेरी जिज्ञासा से मेरे सभी मित्र भली भांति परिचित थे। कोई नई जानकारी मिलते ही मुझे उसके पीछे लगा देने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। ये योगी महाराज मेरे घर के इतने निकट रहते थे कि मैं प्रायः उनसे मिलने जाया करता था और जाता हूँ। मेरे इस कथन से उपेंद्र के चेहरे पर उत्सुकता के भाव उमड़ते देख मैंने उसे और भी बातें बताना शुरू किया। उसके कई कमाल मैंने देखे हैं। पतंजलि प्रणीत प्राचीन अष्टांग योग के विभिन्न प्राणायाम विधियों में से निष्पात है। एक बार बादुड़ी महाशय ने मेरे सामने भस्त्रिका प्राणायाम इतने जोर से किया कि लगता था मानो उस कमरे में सचमुच का तूफान आ गया हो। फिर उन्होंने गर्जन करते श्वासोच्च वास को बंद कर दिया और वे अति चेतना को अपने समाधि में लीन कर दिए और कई घंटे तक एक उच्च अवस्था में निश्चल बैठे रहे। तूफान के बाद शांति का वातावरण इतना प्रभावपूर्ण था कि उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने सुना है कि वे कभी घर से बाहर नहीं निकलते। उपेंद्र के स्वर में कुछ अविश्वसनीयता झलक रही थी। वास्तव में यह सच है, विगत 20 वर्षों से वे घर के भीतर ही रहते लगे थे। केवल हमारे पर्व त्योहारों के अवसर पे वे स्वयं ही लगाए इस नियम को थोड़ा ढीला करते थे। जब वे अपने ही अहाते में स्थित सामने की पगडंडी तक जाते हैं, वहाँ एक भिखारी जमा हो जाते हैं, क्योंकि संत भादुड़ी अपने दयाद्र हृदय के लिए प्रसिद्ध हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम को ठुकरा कर वे हवा में कैसे रह पाते हैं? कुछ प्राणायामों के अभ्यास से योगियों के शरीर की जड़ता नष्ट हो जाती है, तब उनका शरीर हवा में उठ जाता है या फिर
मेंढक की तरह यहाँ से वहाँ कूदने लगता है। तो संत योगाभ्यास नहीं करते, वे भी ईश्वर के प्रति तीव्र भक्ति की अवस्था में हवा में ऊपर उठते पाए गए हैं। इस संत के विषय में मैं अधिक जानना चाहता हूँ, क्या तुम उनकी सायंकालीन सभाओं में जाते हो? उपेंद्र की आंखें कौतूहल से चमक रही थी। हाँ, मैं प्रायः जाता हूँ, उनके उपदेश में विद्वानों विनोदपूर्ण चुटकियों और हास परिहास में मुझे बड़ा मज़ा आता है। कभी कभी मेरे लंबे हट्टहास से सभा की गंभीरता भंग हो जाती है। भादुड़ी महाशय तो उसका बुरा नहीं मानते, किंतु उसके शिष्य खा जाने वाली नजरों से मेरी ओर देखते हैं। उस दिन दोपहर को स्कूल से घर लौटते समय मैं भादुड़ी महाशय से एकांत निवास के पास से गुजर रहा था, तो उनका दर्शन करने की इच्छा हो गई। जनसाधारण के लिए उनका दर्शन दुर्लभ था। निचली मंजिल पर अकेला रहने वाला उनका एक शिष्य इस बात का ध्यान रखता था कि उनके एकांत में खलल ना पड़े। यह शिष्य कुछ ज्यादा ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने भेंट के लिए पहले से समय लिया हुआ है। उसके गुरुदेव उसी समय वहां पहुंचे और उन्होंने मुझे अवलंब अविर्गत किए जाने से बचा लिया। मुकुंद जब भी आना चाहे उसे आने देना दिया करो। संतवर की आंखें चमक उठी। एकांत का मेरा नियम मेरी अपनी सुविधा के लिए नहीं बल्कि लोगों की सुविधा के लिए है। संसारी लोगों को उनके मोहजाल को तहस नहस कर देने वाली स्वाद और अस्पष्टवादिता अच्छी नहीं लगती। संत न केवल दुर्लभ हैं बल्कि वे लोगों को व्याकुल भी कर देते हैं। शास्त्र पुराणों में भी वे प्रायः जन साधारण को विह्लव करते पाए जाते हैं। मैं बहादुरी महाशय के पीछे पीछे ऊपरी मंजिल पर स्थित उसके अत्यंत सादे कक्ष में जा पहुंचा, जहां वे शायद ही कभी बाहर निकलते थे। संसार की क्षुद्र उत्तेजनाओं के तीव्र गति से नित्य बदलते चित्रों की ओर संत जन प्रायः कोई ध्यान नहीं देते। केवल युग युगांतर में स्थित हुए कालजयी सत्यों का उनका ध्यान केंद्र रहता है। संतों के समकालीन लोग केवल उनके संकीर्ण वातावरण के लोगों और लोग ही नहीं होते। महर्षि, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप पहले ऐसे योगी हैं जो हमेशा घर के अंदर ही रहते हैं। भगवान कभी कभी अपने संतों को अप्रत्याशित परिस्थितियों में डाल देते हैं कि कहीं हम यह ना सोचे कि हम संतों को एक विशिष्ट नियम की चौखट में बिठा सकते हैं। आरोग्य और शक्ति से ओतप्रोत अपना शरीर उन्होंने पद्मासन में स्थित और स्थिर किया। उनकी आयु 70 और 80 वर्ष के बीच थी, परंतु आयु ना सक्रिय और निष्क्रिय जीवन पद्धति का कोई अप्रिय लक्षण उनके शरीर पर नहीं दिखता था। उनका सुगठित एवं सीधा शरीर प्रत्येक दृष्टि से आदर्श स्वरूप था।
उनका मुखमंडल पुराणों में वर्णित ऋषियों के समान था। भव्य मस्तक, भरपूर दाढ़ी, शांत आंखें सदैव ईश्वर की संपूर्ण व्यवस्था पर स्थित और स्थिर था। वे सदैव दृढ़ता के साथ सीधा बैठते थे। हम दोनों ध्यानस्थ हो गए। एक घंटे बाद उनकी सौम्य वाणी ने मुझे जगा दिया। तुम प्रायः ध्यान लगाते हो, परंतु क्या तुम्हें कुछ अनुभव हुआ है? वे मुझे ध्यान से अधिक ईश्वर से प्रेम करने का स्मरण दिला रहे थे। ध्यान को ही साध्य समझ लेने की भूल नहीं करना। उन्होंने मुझे कुछ आम दिए। उनके और अपने गंभीर स्वभाव में भी मुझे हमेशा ही आनंदित करने वाली अपनी विनोद बुद्धि को प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, स्मरणता और साधारणतया लोगों को ध्यान योग से जल योग, जलपान आदि अच्छा लगता है। योग के विषय में उनकी इस शब्द कीड़ा को सुनकर मैं ठहाके लगाकर हंसने लगा। क्या हंसी है तुम्हारी, वत्सल्यपूर्ण चमक उनकी दृष्टि में प्रकट हुई। उनका अपना चेहरा सदैव गंभीर ही रहता था, परंतु उसमें भी परमानंद भरी मुस्कुराहट की झलक होती थी। उनके विशाल कमल नयनों में सदैव एक दिव्य हंसी छिपी हुई थी। वे पत्र सुदूर स्थित अमेरिका से आए हैं। उन्होंने मेज पर पड़े अनेक मोटे मोटे लिफाफों की ओर संकेत किया। वहाँ की कुछ सोसाइटियों के साथ जिसके सदस्य योग शास्त्र में रुचि रखते हैं, मैं पत्र व्यवहार करता हूँ। वे कोलंबस से बेहतर दिशा ज्ञान के साथ भारत की नए शिष्य से खोज रहे हैं और नए सिरे से खोज रहे हैं। उनकी सहायता करने में मुझे खुशी होती है। दिन के उजाले की तरह योग शास्त्र का ज्ञान भी उन सब के लिए है जो इसे प्राप्त करने में इच्छुक है। जिसे मनुष्य की मुक्ति के लिए ऋषियों ने अनिवार्य समझा है, उसे पाश्चात्य लोगों के लिए हल्का करने में आवश्यकता नहीं है। बाम्य अनुभव भिन्न होते हुए भी सबकी आत्मा एक समान ही है, और जब तक योग का कुछ ना कुछ अभ्यास नहीं किया जाता, तब तक ना ही पाश्चात्य और ना ही पूर्वात्य लोग उन्नति कर सकते हैं। उन्होंने अपनी शांति और शांत दृष्टि मुझ पर स्थिर की। मेरी समझ में तब यह नहीं आया कि उनके वक्तव्य में भविष्यवाणी युक्त मार्गदर्शन छिपा हुआ था। वह तो केवल अब जब मैं यह शब्द लिख रहा हूँ, उनके द्वारा प्रायः दिए गए संकेतों का पूर्ण अर्थ मेरी समझ में आ रहा है कि मैं किसी दिन भारत की शिक्षाओं को अमेरिका ले जा पाऊँ। महर्षि, मैं चाहता हूँ कि आप जगत के कल्याण के लिए योग शास्त्र पर एक पुस्तक लिखें। मैं शिष्यों को तैयार कर रहा हूँ। वे स्वयं और उनके शिष्यों की श्रृंखला जीवंत पुस्तकों का काम करेंगे, जो समय के स्वाभाविक क्षय और टीकाकारों की अस्वाभाविक टीकाओं से अछूते रहे। संध्याकाल को उनके शिष्य के आने तक
मैं अकेला ही उनके साथ रहा। शिष्यों के आने के बाद बहादुरी महाशय ने अपना अद्वितीय प्रवचन शुरू किया। शांत बाढ़ की तरह अपने श्रोताओं के मन के कूड़े करकट को बाहर ले जाकर वे उन्हें ईश्वर की ओर ले चले। विशुद्ध बंगाली में वे हृदय स्पष्टि दृष्टांत देते जा रहे थे। उस दिन बहादुरी महाशय संत संगति को पाने के लिए अपने राजसी जीवन का त्याग करने वाली मध्य युगीन राजपूत रानी मीराबाई के जीवन से संबंधित कुछ दार्शनिक तत्वों को समझा रहे थे। एक बार एक महान सन्यासी सनातन गोस्वामी ने मीराबाई से मिलने से इसलिए इनकार कर दिया कि वे स्त्री थी। उत्तर में मीराबाई ने जो कुछ कहा उसे सुनकर गोस्वामी विनम्र बनकर उनके चरणों में नत हो गए। महात्मा जी से कहो, मीराबाई ने कहा कि मैं नहीं जानती थी कि सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त और कोई पुरुष है। क्या हम सब उनके सामने स्त्रियां नहीं हैं? शास्त्रों का एक सिद्धांत यह है कि केवल ईश्वर ही एकमात्र सृजनक और सृजनक्षम पुरुष तत्व हैं। उनकी सृष्टि तो केवल निष्क्रिय माया है। मीराबाई ने भक्ति रस से ओत प्रोत अनेक पदों की रचना की है जो आज भी भारत में प्रेम और प्रसाद के साथ गाए जाते हैं। उनमें से एक है, साधन करना चाहिए रे मनवा, भजन करना चाहिए, प्रेम लगाना चाहिए रे मनवा, प्रीत लगाना चाहिए, नीर नहर नहन से हरी मिले तो जल जंतु होई, फल मूल खाकर हरी मिले तो बहादुर बंदराई, तुलसी पूजने से हरी मिले तो मैं पूजूं तुलसी झार, पत्थर पूजने से हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तुच्छ भक्षण से हरी मिले तो बहुत मृगी अजा, स्त्री छोड़न से हरी मिले तो बहुत मिले खोजा, दूध पीवन से हरी मिले तो बहुत वत्स बाला, मीरा कहे बिना प्रेम से ना मिले नंदलाला। बहादुरी महाशय जहाँ योगी आसन में बैठे थे वहीं उनके पास पड़ी उनकी खड़ाऊं पर कई शिष्य प्रणामी रख रहे थे। भारत में प्रचलित इस सिद्धा और श्रद्धापूर्ण चढ़ावे का अर्थ है कि शिष्य अपनी भौतिक संपदा गुरु के चरणों में अर्पित कर रहा है। कृतज्ञ मित्रों के रूप में प्रभु ही अपने भक्तों की देखभाल करते रहते हैं। गुरुदेव अपना महान है और गुरुदेव आप महान है। उस पितामह तुल्य ऋषि से विदा लेने और लेते समय उनकी ओर भक्ति पूर्ण दृष्टि से देखते हुए एक शिष्य ने कहा, आपने ईश्वर को पाने के लिए और हमें ज्ञान देने के लिए अपनी संपत्ति आराम नहीं दी, सब कुछ त्याग दिया। यह सर्वविदित था कि बहादुरी महाशय ने बचपन में ही विशाल पैतृक संपत्ति को त्याग दिया था। जब उन्होंने अनन्य भाव से योगा मार्ग में पदार्पण किया, तुम ठीक उल्टी बात बोल रहे हो। बहादुरी महाशय के मुखार बिंदु पर बत्सरना के अत्यंत सौभ्य भाव प्रकट हुए। मैंने तो अंतहीन आनंद का विराट सम्राट प्राप्त करने के लिए कुछ थोड़े से रुपये
और कुछ तुच्छ सुख विलासों को छोड़ दिया है। फिर मैंने कोई त्याग कहाँ किया और उस दिनों को बांटने में जो आनंद मिल सकता है उसका मुझे ज्ञान है। इसे क्या त्याग कहा जा सकता है? अल्प दृष्टि वाले सांसारिक जन ही वास्तव में सच्चे त्यागी हैं। वे अद्वितीय दिव्य संपत्ति को संसार के मुट्ठी भर तुच्छ खिलौनों के लिए त्याग देते हैं। त्याग की इस लोक विरुद्ध व्यवस्था को सुनकर मेरी हंसी टूट गई और हंसी छूट गई, जिसमें किसी भी भिक्षुक संत को तो कुबेर का मुकुट पहनाया जाता है और धन गर्भित करोड़पतियों को अनभिज्ञ शहीद बना दिया जाता है। विधि का विधान हमारे भविष्य की योजनाओं और योजना किसी भी बीमा कंपनी से अधिक अच्छी तरह बनाता है। उसके लिए निष्कासात्मक शब्द उनकी अपनी श्रद्धा का अनुभव सिद्ध धर्म था। आज संसार बाह्य सुरक्षा में ही विश्वास करने वाले बेचैन लोगों से भरा हुआ है। उनके कटु विचार उनके ललाटों पर अंकित घाव चिन्हों के समान है। जिसने हमारे प्रथम श्वास के साथ ही हमारे लिए हवा और दूध की व्यवस्था कर दी है, वह भगवान अपने भक्तों के दिन प्रतिदिन की व्यवस्था करता रहता है, करना भी जानता है। स्कूल से छुट्टी होते ही इस संत के द्वारा की तीर्थ यात्रा करने का क्रम मैंने जारी रखा। आंतरिक उत्साह के साथ वे अनुभव लाभ में मेरी सहायता करते रहे। एक दिन वे मेरे घर से दूर राम मोहन राय रोड पर रहने के लिए चले गए। उनके श्रद्धालु शिष्यों ने उनके लिए वहाँ नागेंद्र मठ नाम से एक नया आश्रम बना दिया। यहाँ मेरी कहानी अचानक कई वर्ष आगे निकल जाती है। फिर भी भादुड़ी मासे से मुझसे कहे गए अंतिम शब्द का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहता हूँ। पश्चिम की ओर प्रस्थान करने से कुछ पहले मैं उनके दर्शन करने गया और आशीर्वाद पाने के लिए मैंने उनके चरणों पर सिर रखा। बेटा अमेरिका जाओ, युग युगांतर की भारत की महिमा को अपनी ढाल के रूप में ले आओ। विजय तुम्हारे ललाट पर लिखी हुई है। उस देश के भले लोग तुम्हारा हृदय पूर्वक स्वागत करेंगे।